बॉलीवुड में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हिंदू रिलीजन पर बेस्ड कोई फिल्म बन रही है, यानी कि रिलीजन पे बेस्ड। और इस फिल्म के ट्रेलर आते ही सोशल मीडिया पर काफी धूम मच गई है। ट्रेलर रिलीज होने के घंटे भर में ही इसमें लाखों व्यूज पहुँच गए हैं और लाइक्स और कॉमेंट्स भी, और ये लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। और इसके साथ साथ लोग इस ट्रेलर को काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं, और इसके साथ साथ इस फिल्म के पोस्टर को भी काफ़ी पसंद किया जा रहा है। पहली बार कोई फिल्म डायरेक्टर हिंदू धर्म पर फिल्म बना रहा है और हिंदुत्व के बारे में खुलकर बात करने के लिए तैयार है, लेकिन हिंदुत्व मूवी के खिलाफ कैंपेन भी लगने शुरू हो चुके हैं। वहीं बात की जाए आखिरकार इस फिल्म को डायरेक्ट कौन कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स आपको बता दें इस फिल्म के डायरेक्टर हैं करण राजदान। हिंदुत्व फिल्म में कास्ट की बात करें तो इसमें आपको नजर आने वाले हैं आशीष शर्मा, सोनालिका भदौरिया और अंकित राज, ये सारे आपको लीड कास्ट में नजर आएंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें ये फिल्म 7 अक्टूबर को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है। वहीं इस फिल्म की स्टोरी की बात की जाए तो इस फिल्म में आज के जनरेशन पर बेस्ट स्टोरी बनाई गई है। ये फिल्म देश में फैल रही अराजकता के प्रति लोगों को जागरूक किया गया है। इस फिल्म में लोगों को खासकर यानी कि लड़कियों को दोस्ती में सावधानी बरतने का भी संदेश दिया गया है। आजकल की यंग जनरेशन को अपने धर्म पर गर्व एवं धर्म के लिए कर्म करने का भी संदेश दिया गया है। इस फिल्म में बताया गया है कि कैसे हम अपने आसपास मौजूद लोगों में सही गलत का भेद करके सिचुएशन को समझे। फिल्म के जरिए हिंदुओं को जोड़ने की भी पूरी कोशिश की गई है। ये फिल्म बताती है कि हमें अपने देश और सनातन धर्म पर गर्व करना चाहिए। जब एक मुसलमान खुद को फक्र से मुसलमान बोल सकता है, तो फिर एक हिंदू खुद को हिंदू बोलता है घर से, तब साले तुम सबके बदन में आग क्यों लग जाती है? ये सेक्युलरिज्म का झंडा लेकर खड़े हो जाते हो? तुम दोनों दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।